वेलकम बैक टू गाइस, रोहित फोटोग्राफी की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। ये फोटो एडिटिंग गाइस श्रावण और शिवरात्रि के ऊपर है, तो ये फोटो एडिटिंग काफी जबरदस्त होने वाली है। तो देना चाहते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए गाइस मैं कितनी मेहनत करता हूँ। प्लीज गाइस, बारिश में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल। सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे आज हम करने वाले हैं इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग, जो कि महाशिवरात्रि और इस टाइम तो श्रावण चल रहा है, तो श्रावण में भोले बाबा का वीडियो बहुत ज़्यादा ही बनता है, इसलिए गाइस आज हम करने वाले इस तरह की एडिटिंग। तो चलिए हम चालू करते हैं। पहले हम जाते हैं पिक्सआर्ट में, थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है। पिक्सआर्ट में जाने के बाद ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करो, फिर ऑल फोटोज़ पे क्लिक करो। ऑल फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद गाइस हम जाते हैं ये वाला बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस हम जाते हैं ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ये वाला बैकग्राउंड और ये PNG, दोनों को ऐड करते हैं। तो पहले वाले PNG को हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लगा देते हैं, और इस PNG पे आप टैप करो। टैप करने के बाद गाइस इस PNG को हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद गाइस हम जाते हैं फिर से ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं अपना PNG कहाँ है, हमने जो बैकग्राउंड इरेज किया है कहाँ है। पहले गाइस इसको हम कट कर लेते हैं। पहले चलते हैं इफ़ेक्ट्स में, अपने इस बैकग्राउंड को कुछ सेटिंग करना है। तो इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद गाइस हम जाते हैं ब्लर पे। ब्लर पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ये ब्लर का ऑप्शन, ब्लर पे क्लिक करो। फिर इसका फेड अमाउंट वगैरह आप सेट कर लो अच्छे से। सेट करने के बाद गाइस यहाँ से राइट कर दो। राइट करने के बाद गाइस अब हम जाते हैं अपने ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइस हमने जो अपना फ़ोटो क्रॉप किया है वो फ़ोटो लेते हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ क्रॉप करना नहीं आता कि फ़ोटोज़ कैसे क्रॉप होते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं फ़ोटोज़ कैसे क्रॉप किया जाता है। फ़िलहाल में हम अपना PNG ढूँढते हैं कहाँ गया, फ़ोटो नहीं मिल रहा है, ये रहा। इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद गाइस हम इसको करते हैं अब यहाँ से राइट। राइट करने के बाद गाइस हम जाते हैं ऐड फ़ोटो फिर से। फिर लेते हैं ये वाला PNG। इस PNG को हम करते थोड़ा सा बड़ा। ओके, यहाँ से डन कर देते हैं। फिर गाइस हम जाते हैं फिर से ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ये वाला माला। इस माले को हम अपने ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद गाइस हम लेते हैं इरेज का ऑप्शन, इरेज पे क्लिक करते हैं। इसे थोड़ी से अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं। ओके, फिर से इरेज पे क्लिक करते हैं और इसको भी इरेज करते हैं, ताकि लगना चाहिए कि ये हमारे कपड़े के नीचे था। तो इसे हम कर देते डन। डन करने के बाद गाइस हम जाते हैं वापस से ऐड फ़ोटो पे। वापस से ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद ये वाला PNG लेते हैं और इसको हम करते हैं फ्लिप एंड रोटेट। फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब हम करते हैं इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट। अब हम लेते हैं इरेज का आइकॉन, इरेज पे क्लिक करते हैं। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से इरेज कर देते हैं। तो इसे यहाँ से डन कर दो। डन करने के बाद गाइस हम जाते हैं फिर से ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ये टीके का PNG। इसे हम कुछ अच्छी तरह से अपने ऊपर एडजस्ट करते हैं।
ओके, तो ये भी हो चुका है, इसे भी कर देते हैं राइट। अब हम जाते हैं गाइस फिर से हेड फोटो पे। हेड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं अपना हेयर पीएनजी। इस हेयर पीएनजी को हम कुछ अच्छी तरह से अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब हमें करना है ये अपोजिट इसकी थोड़ी सी माइनस इतना, फिर इरेज पे आइकॉन पे क्लिक करो, इरेज पे क्लिक करो, फिर यहाँ से इसे इरेज करो। इरेज करने के बाद गाइज हम लेते हैं अपने ए, इसे अच्छी तरह से इरेज कर लेते हैं पहले। सो गाइज हमारा ये इरेज हो चुका है, अब इसे ऑपोजिट ही हम फुल कर देते हैं। देखिए अच्छे तरह सेट हो चुका है, इसे राइट कर दो। अब हम जाते हैं फिर से ऐड फोटो पे गाइज। ऐड फोटोज़ पे जाने के बाद गाइज हम लेते हैं ये वाला पीएनजी, इस पीएनजी को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद गाइज हम इसे कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, राइट करते हैं, फिर जाते हैं वापस से गाइज हम ऐड फोटो पे, फिर लेते हैं ये वाला पीएनजी, इसे भी ऐड करते हैं, इसे भी डन कर दो। अब हम जाते हैं गाइज इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद ये ब्लर का ऑप्शन लेते हैं, ब्लर पे एक बार टैप करते हैं, फिर इसे थोड़ा सा अमाउंट सेट करते हैं, इरेज के आइकॉन क्लिक करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करने के बाद गाइज हम इसे कुछ इस तरह से इरेज करते हैं, खाली जो झंडे हैं उन्हीं झंडों पे इरेज करना है। अच्छी तरह से गाइज इसे इरेज करते रहिए। ओके, तो इरेज ये इस पे भी इरेज कर दीजिए। वन मिनट, इरेज अच्छी तरह से गाइस इसे करना, वरना आपका फोटो में थोड़ा सा बेकार सा लगने लगेगा। ओके गाइस, सो अब हम इसे यहाँ से डन कर देते हैं। अब हम जाते हैं गाइस फिर से ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइस लेते हैं हम ये महादेव का पीएनजी, इसे हम ऊपर अपने कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, इसे कर देते हैं डन। वापस से जाते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ये वाला पीएनजी, इसे भी कुछ यहाँ अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। गाइस आपको सारे बैकग्राउंड एंड पीएनजी के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से राइट कर दो। राइट करने के बाद गाइस हम जाते हैं इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद गाइस यहाँ से जाते हैं कलर ऑप्शन पे। कलर्स पे जाने के बाद सैचुरेशन पे क्लिक करते हैं। सैचुरेशन इसकी हम अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट करें, इसे यहाँ से मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद गाइस हम जाते हैं अपने एफेक्ट्स पे। एफेक्ट्स पे लेते हैं HDR ऑप्शन। HDR पे टैप करने के बाद गाइस आपके सामने ऐसा आया, फिर HDR पे टैप करो, आपको जैसा HDR चाहिए वैसा क्लिक करो, यहाँ से राइट कर दो। गाइस हमारी फ़ोटो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब इसका काम है बस लाइट रूम में। तो इस फोटो को सेव करने के लिए हम लेते हैं ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, सेव इमेज करो। सेव इमेज करने के बाद इसे हम गाइस बैक कर लेते हैं। डायरेक्ट कट करने के बाद फिर लाइट रूम ओपन करते हैं। लाइट रूम में गाइस ये प्लस का आइकॉन पे क्लिक करो। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद गाइस हम लेते हैं अपना जो फोटो सेव, हमारा फोटोज गाइस यहाँ होगा, ये रहा, इसे ऐड कर लो। यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद इस पे टैप करते हैं, हमें जो भी इसकी वगैरह कम लगता है वो सब हम कर लेते हैं। एक्सपोजर पहले, कॉन्ट्रास्ट वगैरह अपने हिसाब से माइनस करते हैं, फिर कलर ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे मिक्स पे जाते हैं। मिक्स पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज को सिलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ब्लू, ब्लू को भी सिलेक्ट करने के बाद गाइस देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आता है, इसे हम ब्लू पे करते हैं। अब हम जाते हैं गाइस इस आइकॉन पे, यहाँ से इसकी क्लियरिटी बढ़ाते हैं। अब हम लेते हैं विग्नेट, थोड़ा सा माइनस करते हैं। शार्पनिंग पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे नॉइस रिडक्शन बढ़ा दीजिए आप, इससे आपकी फ़ोटो में स्मूथनेस आती है, और थोड़ा सा शार्प दे दीजिए। शार्प देने के बाद गाइस हम
अब इस हमारी फ़ोटो डन हो चुकी है। अब हम इस फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेव टू डिवाइस कीजिए, ओके कर दीजिए। आपके फ़ोन में जो भी हाई क्वालिटी अवेलेबल होगी उसमें ये फ़ोटो सेव हो जाएगी, ओके कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच दिस वीडियो। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।